बट नाउ द आजाद। जब तक ये देश आजाद नहीं हो जाता न हम चैन से सोएंगे और न ही अंग्रेजों को चैन से सोने देंगे। दोस्तों, भारत को गुलामी की भेड़ियों से आजाद करवाने में कई क्रांतिकारियों ने अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया था। इन क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों का जीना हराम कर दिया था। उन्हीं में से एक थे चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने ब्रिटिश सरकार को हिला कर रख दिया था। लेकिन फिर भी चंद्रशेखर आजाद को ब्रिटिश पुलिस कभी जिंदा नहीं पकड़ पाई थी। उनका कहना था कि दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, आजाद ही हैं और आजाद ही रहेंगे। दोस्तों, वो चंद्रशेखर आजाद ही थे जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना पूरा जीवन बलिदान दे दिया, लेकिन कभी भी दिखावा नहीं किया। ये बात आपको हैरान कर देने वाली है कि चंद्रशेखर आजाद कभी भी अपनी फोटो नहीं खिंचवाते थे, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद को ये डर रहता था कि अगर उनकी फोटो अंग्रेजों के हाथ लग गई तो उनकी ये देश की आजादी का मिशन असफल हो जाएगा। ये जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं, ये मात्र एक तस्वीर है जो चंद्रशेखर आजाद के दोस्त मास्टर रुद्र नारायण ने चुपके से खींची थी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में चंद्रशेखर आजाद की कहानी जानते हैं, आखिर वो कैसे अपनी अंतिम सांस तक ब्रिटिश सरकार के हाथ नहीं लग पाए थे। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एके और आप देख रहे हैं मोटिवेशनल अरुण यूट्यूब चैनल। दोस्तों, तारीख थी 23 जुलाई 1906, मध्य प्रदेश के भावरा गांव में एक बच्चे का जन्म होता है। नाम था चंद्रशेखर तिवारी। चंद्रशेखर शुरू से ही पढ़ाई में काफी अच्छे हुआ करते थे, साथ ही शरीर में वो तगड़े होने से उन्हें तीर अंदाजी का भी काफी शौक था। लेकिन चंद्रशेखर तिवारी को गांव में रहकर लक्ष्यहीन जीवन जीना अच्छा नहीं लग रहा था। इसके बाद चंद्रशेखर तिवारी घर से निकल पड़े थे मुंबई की ओर, जहां उन्होंने बंदरगाह पर पेंटिंग करने का काम शुरू किया। कुछ दिनों बाद अंग्रेजों के जुल्मों की खबर लगातार अंदर से कचोटती जा रही थी। साल 1919 में जलियांवाला बाग में डायर की बर्बरता ने पूरे देश के लोगों को आक्रोश से भर दिया था। चंद्रशेखर आजाद का मन अंग्रेजों की जुल्मकारी नीतियों से परेशान हो चुका था और साल 1920 में गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़ दिया और ये मौका देखकर चंद्रशेखर आजाद ने भी असहयोग आंदोलन में कूदने का मन बना लिया था। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में चंद्रशेखर आजाद जब कॉलेज के अंदर धरना प्रदर्शन कर रहे थे और इस बात की खबर जब अंग्रेजों को लग जाती है तो कुछ ही देर में ताबड़तोड़ वहां पर ब्रिटिश पुलिस आ जाती है और इन विद्यार्थियों को गिरफ्तार कर कठोर कारावास की सजा सुना दी जाती है। लेकिन ब्रिटिश पुलिस ने आजाद से उनका नाम, पता और पिता का नाम पूछा था। तब चंद्रशेखर आजाद ने जवाब दिया था, मेरा नाम आजाद है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता है और मेरा पता जेल है। उसके बाद इनके नाम के भी पीछे जुड़ गया आजाद, चंद्रशेखर आजाद। लेकिन उस समय चंद्रशेखर आजाद मात्र 14 साल के थे, इसलिए उन्होंने किसी कठोर कारावास की जगह 15 बैतों की सजा सुना दी थी, जिसमें ये बैत इतनी जोर से मारे जाते थे कि सामने वाले की चमड़ी तक उतर जाती थी। लेकिन चंद्रशेखर के सपने के आगे ये सजा कुछ नहीं थी। उन्होंने इन हर एक बैत को सहते हुए वंदे मातरम का नारा लगाया था। ये वो दौर था जब महात्मा गांधी अहिंसा के रास्ते से आजादी के लिए लड़ रहे थे, मगर चोरा चोरी हत्याकांड के बाद गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया था। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन संगठन में शामिल हो गए थे, जो क्रांतिकारियों का ही एक संगठन था। इसके बाद साल आता है 1925, तारीख थी 9 अगस्त। चंद्रशेखर आजाद और उनके साथी क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों की एक ट्रेन में मौजूद खजाने को लूटने का प्लान बनाया और डाउन पैसेंजर गाड़ी के दूसरे दर्जे के डिब्बे में चंद्रशेखर के 4 साथी क्रांतिकारी सवार थे। उन्हें ये काम दिया गया था कि उन्हें निश्चित स्थान पर जंजीर को खींचकर ट्रेन को रुकवा लेना है और बाकी के लोग चंद्रशेखर आजाद के साथ उसी ट्रेन के तीसरे दर्जे के डिब्बे में सवार थे। उनमें से कुछ लोगों को गार्ड और ड्राइवर को पकड़ने का काम सौंपा गया था तो कुछ लोगों को पहरा देने और खजाना लूटने की जिम्मेवारी दी गई थी। जिस समय ट्रेन की जंजीर खींची गई थी उस समय लगभग अंधेरा हो चुका था। गार्ड और ड्राइवर को पकड़कर तिजोरी को नीचे गिरा दिया गया था। तिजोरी वजन में काफी भारी और मजबूत होने की वजह से उसे हथौड़े के जरिए तोड़ा गया। इस तरह इन क्रांतिकारियों ने खजाने से भरी ट्रेन को लूट लिया था। कुछ क्रांतिकारी उस समय पकड़े गए थे लेकिन चंद्रशेखर आजाद बच निकले। चारों तरफ इन क्रांतिकारियों को पकड़ने का माहौल गरमाया हुआ था। इसके बाद असेंबली में बम कांड के बाद भगत सिंह अपने आप को अंग्रेजों के हवाले कर देते हैं। इस बात से
चंद्रशेखर आजाद काफी दुखी हो जाते हैं। भगत सिंह को छुड़ाने के लिए चंद्रशेखर आजाद ने कई प्रयास किए थे। आजाद की आदत थी कि जब भी उनका कोई ऐसा साथी पकड़ा जाता जो उन्हें या उनके रहने के स्थान को जानता था तो वो अपने रहने की जगह तुरंत बदल लेते थे और जरूरत पड़ने पर अपना शहर भी बदल लेते थे। शायद इसी वजह से अंग्रेजी पुलिस उनको कई सालों तक पकड़ नहीं पाई थी। जैसे ही वो एक पार्क में बात ही कर रहे थे लेकिन तभी वहां पर पुलिस आ जाती है। पुलिस को देखकर चंद्रशेखर आजाद को गड़बड़ी होने का अंदाजा हो गया था। इसके बाद एक गोरा अफसर गाड़ी से उतरकर पिस्तौल दिखाकर उनसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। उस समय आजाद का हाथ अपनी पिस्तौल पर ही था। उस अंग्रेज के सवाल का जवाब चंद्रशेखर आजाद ने गोली चला कर दे दिया, लेकिन उससे उस अंग्रेज ने एक गोली चंद्रशेखर आजाद पर चला दी थी। उसकी गोली आजाद के जांग में लगी थी। वही चंद्रशेखर आजाद की तरफ से एक गोली अफसर के कंधे पर लगी। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ गोलियां चलनी शुरू होती हैं। इसके बाद कई पुलिस वाले उस पार्क को चारों तरफ से घेर लेते हैं। चंद्रशेखर आजाद उसके बाद एक जामुन के पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। यहां से आजाद अपने साथी को तो यहां से भगाने में कामयाब हो जाते हैं, मगर आजाद घायल अवस्था में भी पुलिस वालों का सामना करते रहे। लगभग 20 मिनट तक दोनों तरफ से गोलियां चलती रही। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद को यह अंदाजा हो गया था कि पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है और फिर चंद्रशेखर आजाद ने अपनी अंतिम गोली खुद को मार ली और ब्रिटिश पुलिस चंद्रशेखर आजाद को कभी भी जिंदा नहीं पकड़ पाई थी। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद ने अपने इस देश के लिए बलिदान दे दिया। जिस पेड़ के नीचे चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे वहां हर दिन लोगों की भीड़ लगने लगी थी। लोग वहां फूल मालाएं चढ़ाने और दीपक जलाने लगे। तभी ब्रिटिश सरकार ने रातों रात उस पेड़ को कटवाकर नामो निशान मिटा दिया था। और दोस्तों, इसके कुछ दिनों बाद ही राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी दे दी गई। इस तरह युवा क्रांतिकारियों ने इस देश के लिए हंसते हंसते मौत को गले लगा लिया था, जिनकी शहादत को भुलाया नहीं जा सकता। और दोस्तों, आज की ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके।